আপনারা দেখছেন বিশ্বভারত এগিয়ে বিশ্ব এগিয়ে ভারত দেশ জুড়ে একুশ দিন লকডাউন ঘোষণা হবার পর রবিবার মন কি বাত অনুষ্ঠানে ফের একবার জনতার উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখলেন দেশের প্রধানমন্ত্রী দেশের মানুষকে এভাবে তিন সপ্তাহ গৃহবন্দী করে রাখার জন্য অনুষ্ঠানের শুরুতেই দেশবাসীর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন নরেন্দ্র মোদী তবে তিনি এও জানিয়ে দেন যে এই লকডাউনের পথে তাকে হাঁটতেই হতো कारण एक समय कोरोना हाथ के बाचार लॉकडाउन छा उपाय नहीं देशवासी सुरक्षार कथा माथाय रेखे ताकि तो हुए मेरे प्यारे देशवासियों आम तौर पर मन की बात उसमें मैं कई विषयों को लेकर के आता हूँ लेकिन आज देश और दुनिया के मन में सिर्फ और सिर्फ एक ही बात है कोरोना वैश्विक महामारी से आया हुआ ये भयंकर संकट ऐसे में मैं और कुछ बातें करूं वो उचित नहीं होगा लेकिन सबसे पहले मैं सभी देशवासियों से क्षमा मांगता हूं और मेरी आत्मा कहती है कि आप मुझे जरूर क्षमा करेंगे क्योंकि कुछ ऐसे निर्णय लेने पड़े हैं जिसकी वजह से आपको कई तरह की कठिनाइयां उठानी पड़ रही है खास करके मेरे गरीब भाई बहनों को देखता हूं तो जरूर लगता है कि उनको लगता होगा कि ऐसा कैसा प्रधानमंत्री है हमें इस मुसीबत में डाल दिया उनसे भी मैं विशेष रूप से क्षमा मांगता हूँ हो सकता है बहुत से लोग मुझसे नाराज भी होंगे कि ऐसे कैसे सबको घर में बंद करो मैं आपकी दिक्कतें समझता हूं आपकी परेशानी भी समझता हूं लेकिन भारत जैसे 130 करोड़ की आबादी वाले देश को कोरोना के खिलाफ लड़ाई के लिए ये कदम उठाए बिना कोई रास्ता नहीं था कोरोना के खिलाफ लड़ाई जीवन और मृत्यु के बीच की लड़ाई है और इस लड़ाई में हमें जीतना है और इसीलिए ये कठोर कदम उठाने बहुत आवश्यक थे किसी का मन नहीं करता है ऐसे कदमों के लिए लेकिन दुनिया के हालात देखने के बाद लगता है कि यही एक रास्ता बचा है आपको आपके परिवार को सुरक्षित रखना है मैं फिर एक बार आपको जो भी असुविधा हुई है कठिनाई हुई है इसके लिए क्षमा मांगता हूं। साथियों हमारे यहाँ कहा गया है एवं एव विकार अपी तरुण साधते सुखम यानी बीमारी और उसके प्रकोप से शुरुआत में ही निपटना चाहिए बाद में रोग असाध्य हो जाते हैं तब इलाज भी मुश्किल हो जाता है और आज पूरा हिंदुस्तान हर हिंदुस्तानी यही कर रहा है भाइयों बहनों माताओं बुजुर्गों कोरोना वायरस ने दुनिया को कैद कर दिया है ये ज्ञान विज्ञान गरीब संपन्न कमजोर ताकतवर हर किसी को चुनौती दे रहा है ये ना तो राष्ट्र की सीमाओं में बंधा है न ही ये कोई क्षेत्र देखता है और न ही कोई मौसम ये वायरस इंसान को मारने पर उसे समाप्त करने की जीद उठाकर बैठा है और इसलिए सभी लोगों को पूरी मानव जाति को इस वायरस के खत्म करने के लिए एकजुट होकर संकल्प लेना ही होगा कुछ लोगों को लगता है कि वो लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं तो ऐसा करके वो मानो जैसे दूसरों की मदद कर रहे हैं अरे भाई ये भ्रम पालना सही नहीं है ये लॉकडाउन आपके खुद के बचने के लिए है आपको अपने को बचाना है अपने परिवार को बचाना है अभी आपको आने वाले कई दिनों तक इसी तरह धैर्य दिखाना ही है लक्ष्मण रेखा का पालन करना ही है साथियों मैं ये भी जानता हूं कि कोई कानून नहीं तोड़ना चाहता नियम नहीं तोड़ना चाहता लेकिन कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं क्योंकि अब भी वो स्थिति की गंभीरता को नहीं समझ रहे ऐसे लोगों को यही कहूंगा कि लॉकडाउन का नियम तोड़ेंगे तो कोरोना वायरस से बचना मुश्किल हो जाएगा दुनिया भर में बहुत से लोगों को कुछ इसी तरह की खुशफहमी थी आज ये सब पछता रहे हैं साथियों हमारे यहां कहा गया है आरोग्यम परम भाग्यम स्वास्थ्यम सर्वार्थ साधनम यानी आरोग्य ही सबसे बड़ा भाग्य है दुनिया में सभी सुख का साधन स्वास्थ्य ही है ऐसे में नियम तोड़ने वाले अपने जीवन के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं साथियों इस लड़ाई के अनेकों योद्धा ऐसे हैं जो घरों में नहीं घरों के बाहर रहकर कोरोना वायरस का मुकाबला कर रहे हैं जो हमारे फ्रंट लाइन सोर्जर्स हैं खास करके हमारी नर्सिस बहनें हैं नर्सेज का काम करने वाले भाई हैं डॉक्टर हैं पैरामेडिकल स्टाफ हैं ऐसे साथी जो कोरोना को पराजित कर चुके हैं आज हमें उनसे प्रेरणा लेनी है